ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जब चंद्रयान फर्स्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था 22 अक्टूबर 2008 को, तो दोस्तों उसके बाद पूरे विश्व भर में इसरो तथा उसके साइंटिस्टों की जमकर तारीफें हुई और भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक उभरता हुआ देश कहा जाने लगा। ये वो दिन था जब मार्स यानी कि मंगल को इंसानों के फ्यूचर होम के बारे में देखा जाने लगा था। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स की ओर अपने अपने स्पेसक्राफ्ट पहले से ही भेज चुकी थी, और जहां पर इसरो का बजट नासा और ऐसा की तरह हाई तो नहीं था और ना ही उन मार्स मिशन जैसे किसी प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, इंसान की आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो पूरे आसमान को देखने की काबिलियत रखती है। इसरो के सामने तमाम मुश्किलें थी, लेकिन भारत का नाम मार्स तक ले जाने की चाह ने हमारे सभी साइंटिस्टों की नींद उड़ा के रखी थी। और 23 नवंबर 2008 को उस समय के चेयरमैन जी माधवन नायर ने अनाउंस किया कि इसरो मार्स पर एक अनप्रोवेड मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगलयान फर्स्ट की एक अद्भुत कहानी बताने जा रहा हूँ। इसरो के सामने सबसे पहले प्रॉब्लम बजट की थी। एक साल की स्टडी के बाद इसरो ने भारत सरकार के सामने 450 करोड़ का बजट रखा था, और उस समय के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बजट को अप्रूव कर दिया। लेकिन इस बजट को पूरा करने में भारत सरकार ने 2 साल से भी अधिक का समय लगा दिया। वेल, फाइनली 3 अगस्त 2012 को भारत सरकार द्वारा इसरो को 450 करोड़ का बजट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर आई एक और प्रॉब्लम। मार्स की लॉन्च विंडो 2013 के बाद सीधे 2016 से पहले नहीं खुलने वाली थी। यही कारण था कि इसरो अपने मार्स ऑर्बिटर को साल 2013 के अंत तक लॉन्च करना चाहती थी। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाते बनाते इसका वेट 1337 किलोग्राम हो गया था, जिसमें से 852 किलोग्राम तो सिर्फ उसके फ्यूल का वेट हुआ था। इसरो ने ऑर्बिटर की ट्रैकिंग के लिए और उसे कमांड देने के लिए एक टेलीमेट्रिक कमांड और नेटवर्क बनाया था। नासा का डीप स्पेस नेटवर्क भी इसके लिए लगा हुआ था, और इसरो ने इसके लिए सेंसा साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी की भी मदद ली थी। इसरो ने अपने मंगलयान को लॉन्च करने के लिए GSLV रॉकेट को चुना था। GSLV एक काफी पावरफुल रॉकेट लॉन्चर था, लेकिन कुछ पिछले सालों में इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो काफी कम रहा, इसमें काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही। इसलिए GSLV की जगह PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करना सही समझा इसरो ने। यहाँ पर PSLV पावर रेट में GSLV से पीछे है, लेकिन इसका जो सक्सेसफुल रेट है वो GSLV से भी ज्यादा है, इसलिए इसरो ने इसको चुना। इस रॉकेट ने मंगलयान को धरती की ऑर्बिट में पहुंचा दिया, और वहां से ऑर्बिटर ने अपने थ्रस्टर के इस्तेमाल से अपने आप को मार्स की ओर ड्रैग कर लिया। इसरो पहले इस मिशन को 28 अक्टूबर 2013 को लॉन्च करने वाला था, लेकिन पैसिफिक ओशियन में खराब मौसम के कारण इसरो के एक नेविगेशन शिप PG के कॉस्ट पर नहीं पहुंच रही थी। इसके लिए इस मिशन को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 5 नवंबर 2013 को भारत के समय के अनुसार 3:20 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV XL C25 से इसे लॉन्च कर दिया गया। अगले करीब 25 दिनों तक मंगलयान धरती को ऑर्बिट करता रहा, और इसका मकसद स्पेसक्राफ्ट के सारे इक्विपमेंट की टेस्टिंग और मार्स की ओर भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट को पर्याप्त स्पीड देना था। मार्स की ओर जाने वाले 1 अरब से भी ज्यादा भारतीयों के सपने सुनहरा इतिहास लिखने वाले थे, और इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक नया इतिहास लिखने जा रहा था। 78 करोड़ किलोमीटर और 298 दिनों के लंबे समय के बाद 24 सितंबर 2014 को इसरो का मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में इंटर हो गया, और इसी के साथ भारत पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा करने वाला पूरे विश्व में पहला देश बन गया। 24 सितंबर 2014 को इंडिया के कॉम्पिटिटर कहे जाने वाले चाइना ने इसे प्राइड ऑफ एशिया कहा। मंगलयान मिशन के लिए इसरो को कई इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और इन सब चीजों से साफ है कि मंगलयान भारत के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक गेम चेंजिंग मिशन रहा। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलयान ने मार्स में पहुंचने के बाद क्या क्या वहां पर खोजा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।